मित्रों, जय माता दी। मित्रों, वर्ष 2019 अब समाप्त होने वाला है और ऐसे में वर्ष 2019 के जाते जाते 26 दिसंबर गुरुवार के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से जाते जाते यह साल सभी राशियों पर अपना प्रभाव छोड़ कर जाएगा। मित्रों, कुछ राशियों को सूर्य ग्रहण के इस प्रभाव से फायदा हो सकता है, उनके लिए आने वाला नया साल बेहतरीन साबित होगा। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातक, इसे सूर्य ग्रहण पर आप क्या करें और क्या ना करें, आपको कुछ सरल से उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन को नए सार्थक रूप में विस्तारित कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे जो कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर उसके बाद अवश्य ही करना चाहिए। आपका कैसा रहेगा यह सूर्य ग्रहण, आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको ऐसी रोचक जानकारियां मिल सके। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि साल का आखिरी महीना ग्रहण की वजह से अशुभ भी हो सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों को सूर्य ग्रहण आपकी राशि से सातवें भाव में पड़ने जा रहा है, इस वजह से आपके जीवन साथी को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, आपके संबंधों में तनाव आ सकता है और पार्टनर से भी किसी प्रकार का झगड़ा हो सकता है। आपके स्वास्थ्य के लिए यह ग्रहण सही नहीं माना जा रहा। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग आप अवश्य करें। आपको इसके साथ साथ कुछ अच्छे और शुभ परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है, आपके मुनाफे और आपके व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 26 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण सुबह 8:17 पर शुरू होगा और 10:17 तक रहेगा। ग्रहण का सूतक काल 25 दिसंबर की शाम को 5:32 से शुरू हो रहा है। सूतक लगने के बाद सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते। इस दौरान पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको किसी भी कार्य को झगड़े लड़ाई के रूप में नहीं करना है, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग आपको अवश्य करना है। मित्रों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सूर्य ग्रहण के समाप्ति के बाद आप कहीं नदी तालाब या फिर बावड़ी बगीचे में जाकर आप स्नान अवश्य करें और पूजा पाठ करें। इस दिन पूजा पाठ जब आदि करने से विशेष रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्रहण शुरू होने से 3 घड़ी और ग्रहण समाप्त होने के 3 घड़ी बाद तक भोजन नहीं करना है। आपको बताना चाहेंगे कि आप सूर्य ग्रहण के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप अवश्य करें और आपको कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना है। आपका दिन और आपका यह ग्रहण काफ़ी अच्छे परिणाम आपको दिलाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।